भाइयों, जो हमारी आज की वीडियो है भाइयों, वो होजरी वाल के ऊपर है, जिसको डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल देते हैं, जो कि पावर ट्रॉली, जिसे पावर ट्रॉली का मतलब है कि जो हाइड्रोलिक ट्रॉली होती है, जो डंफर होता है उसमें काम आते हैं, और दूसरा रिवर्सेबल प्लो है, या उसमें ये होजरी वाल काम आती है, और तीसरी है भाइयों कि अगर आपके पास पावर हैरो है तो उसमें भी ये चीज़ काम आएगी भाइयों। तो भाई, इस वीडियो का जो बनाने का मकसद है वो ये है कि हमने पहले एक ट्रैक्टर की वीडियो बनाई थी, दो ट्रैक्टर थे, सेम थे वो, 475 ही ओल्ड मॉडल, 95-96 मॉडल। तो भाई, उसमें हमने बताया था कि टायर, दोनों का टायर बाहर कैसे करें, पिछले जो रिम है वो बाहर कैसे करें। तो भाई, उस वीडियो में कम से कम भी 12 से 13 कमेंट आए थे कि भाई हमें ये बताओ कि जो आपने होजरी वॉल लगा रखी दूसरे ट्रैक्टर पर, ये होजरी वॉल कैसे लगी हुई है, कितने की आती है। तो भाई, उसके ऊपर ये वीडियो है, मैं आज आपको बता दूंगा। सबसे पहले भाइयों, एक चीज़ है इसमें, यहाँ पे ना इसमें इसका ऑपरेट स्टैंड लगेगा, वो इसमें नहीं लगा हुआ, वो हमने खोल के रखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे लगेगा, उससे ही ये ऑपरेट होगा, ठीक है। अभी ये यूज़लेस है, हम इसे यूज़ नहीं करते, इसलिए ये ऑपरेटिंग वाले जो मतलब कि चालू नहीं है। और भाइयों, अब इसके ना इस प्राइस की बात कर लेते हैं कि इसके कितने का लगता है। तो भाई, मैं आपको दिल्ली के प्राइस बताऊंगा, जो दिल्ली में मतलब कि जो ओरिजिनल तो है नहीं है, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, ओरिजिनल तो है नहीं, लेकिन ये जो डुप्ली जो कॉपी है वो भी दो तरीके से आती हैं, मतलब कि दो रेट में आती है। एक तो दिल्ली से 2500 रुपये की आती है भाइयों, जो 2500 रुपये की आती है भाई, वो आपको मार्केट में, आपने शहर में ऐसे मान लो कि 2800-2900 रुपये की मिलेगी, ठीक है जी। और एक आती है 3000 रुपये की, और जो 3000 रुपये की दिल्ली से आती है भाई, वो आपके आपके शहर में या आपकी मार्केट में ऐसे मिलेगी आपको 3200 या 3400 के आसपास की, ठीक है भाइयों। तो भाई, अब इसकी सप्लाई की बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके से ये काम करता है, और कैसे कैसे ये मतलब कि माउंट किया हुआ है, ये एंगेज किया हुआ है, ठीक है भाइयों। तो भाई, आपने देखा होगा कि डबल डिस्ट्रीब्यूटर में टू होजरी वाल होती है इस तरीके से। तो भाई, एक इसमें आउटलेट, ये ऊपर वाली आउटलेट है और नीचे वाली इनलेट है, ठीक है भाइयों। और आपको मैं इस वीडियो में भाई जो ओरिजिनल फिटिंग है, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि ओरिजिनल फिटिंग है वो कैसे होती है, कंपनी कैसे देती है। तो भाई, आगे की तरफ का सारा जो आप देख रहे हो, ये सारा आगे की तरफ से है, और ये कैसे लगता कैसे, मैं आपको ये बता दूं। ये देखिए, आप पंप से ही शुरुआत करते हैं, ट्रैक्टर का जो पंप है उससे ही शुरुआत करते हैं। तो भाई, वो एक बात आप ध्यान रखना कि अगर आपका जो ट्रैक्टर है, जो उसका पंप है, वो नए नए मॉडल का पंप हो, ठीक है भाइयों। ये आप ध्यान रखना कि नए मॉडल का ही पंप हो, अगर पुराने मॉडल का पंप है तो उसमें जो ऑयल ऑयल की स्पीड, जो मतलब कि ये पीछे डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, ऑयल की स्पीड और अमाउंट दोनों कम होगी पुराने की, फिर तो नमी की ज़्यादा होगी, तो अच्छे तरीके से ही काम कर पाएगा, ज़्यादा सेंसिबल होगा। ये यहाँ से सप्लाई जा रही है, ये वाली, ठीक है जी। और ऐसे जाके, और भाइयों ये यहाँ पे जाके माउंट हो जाती है इस चीज़ पे, और ये मैं आपको दिखा दूँ एक बार, यहाँ से निकल के यहाँ से ये पाइप जाएगा, देखो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है भाई। वो जो सप्लाई है बस तेल की, वो यहाँ पे आ गई, और ये दूसरे वाली है भाई, दूसरे वाली मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट भाई। दूसरे वाली है वो यहाँ से आउट, ये ऐसे निकल के आएगी, और निकलने के बाद देखो, ये वाली आ रही है, ये वाली, ठीक है जी। और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगी। तो भाई, करना क्या है इसमें, करना कुछ नहीं है, जो ये वाली सप्लाई होती है उसकी ऑयल की, तो यहाँ से ना सीधा ये यहाँ पे लगती है, अगर जैसे ओरिजिनल में होती है तो ये यहाँ पे लगती है, ये वाली चीज यहाँ पे लगती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से तो इन लेना है और आउट यहाँ पे दे देना है, ठीक है। अगर आपका जो मिस्त्री है, अगर उस चीज़ को नहीं पता, तो आप वीडियो दिखा के उससे फिट करवा सकते हो बड़ी आसानी से भाई, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है ये, ठीक है भाई। अब आपको दिखाते हैं एक बार कि ओरिजिनल जो फिटिंग है वो कैसे होगी। भाई, अब दिखाते हैं आपको जो कंपनी फिटेड होजरी बाल होती है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बोल देते हैं, डबल डिस्ट्रीब्यूटर। तो भाई, वो ये देखो, इसमें दो होजरी बाल होती है, एक होती है इनपुट, एक होती है आउटपुट। भाइयों, ये होती है आउटपुट और ऊपर वाली होती है इनपुट। इनकी जो निशानी है मैं आपको बता दूँ, जो इनपुट होती है भाइयों, वो ऐसे ये पाइप गया और अंदर जो सीएल होगा वो इंजन के अंदर जाएगा, सॉरी जो इसकी बॉडी है इसमें अंदर जाएगा, ठीक है जी। वो दिखा देता हूँ मैं इस तरीके से, और ऐसे अंदर को धकेल के फिर ये फिट होगा भाई उसमें, ठीक है जी। इसकी पूरी लाइनिंग दिखा देता हूँ मैं आपको, पहली तरीके से दिखा देता हूँ, पहली तरफ से।
तो भैया ये इसका हैंडल है जहाँ से ऑपरेट होता है ये चीज़। और ये छोटा सा ही है, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप बाहर से लगवाओगे तो आपको काफ़ी कुछ मतलब कि फेस करना पड़ेगा, जैसे कि अलग तरीके बेल्डिंग से और बड़ा सा सिस्टम, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा ही है ये वाली चीज़। ठीक है भाइयों, ये यहाँ से इसका सीधा पंप से, जो ट्रैक्टर का पंप होता है प्रेशर पंप होता है, वो यहाँ से इसकी लाइन आई हुई है ये वाली। ठीक है जी, और इसी से ही होता है डम्फर के लिए भी। मैं आपको बता दूँ कि डम्फर के लिए आप जो नीचे वाला वाल है आप उसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाइयों, एक बार आपको पूरी लाइनिंग दिखा देता हूँ मैं। ये जो पंप है भैया, यहाँ से इसकी लाइनिंग जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है इसकी, देखो आप यहाँ से अंदर की तरफ। तो वही कंपनी फिटेड में बहुत ही फर्क रहता है, बहुत ही सूटेबल तरीके से ये फिट हुआ होता है। एक इस तरीके का हौजरी वाल भी आती है, जो कि ये सिर्फ डम्फर जो आप ट्रॉली, जो पावर ट्रॉली है होती है, वो उसी में, सिर्फ उसी में ये चीज़ काम आती है। इससे आप रिवर्सेबल प्लाव या पावर, अपना पावर हैरो जिसे कह लीजिए, या 2 MB रिवर्सेबल, 3 MB रिवर्सेबल प्लाव जितने भी होते हैं, वो आप इससे नहीं चला सकते। ठीक है जी, ये सिर्फ अपना ट्रॉली, जो पावर ट्रॉली है, उसी के लिए ही काम में आता है। ये कम से कम भी 15 साल पहले की टेक्नोलॉजी मान के चलिए आप। ठीक है जी, जो इंडिया में, वैसे विदेशों में तो पता नहीं, कह नहीं सकते। आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे ये स्वराज ट्रैक्टर में लगी हुई है, और ये यहाँ से कनेक्ट हुई हुई है भाई। उसकी लिफ्ट ट्रॉली, जो उसका हाइड्रोलिक का जो टापा है स्वराज का, यहाँ से ये, मैं बता दूँ, यहाँ से ये इससे इस ऐसे फ्यूल जाएगा। ठीक है जी, और आपको ट्रॉली में भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है। तो भाई वो ऑपरेट होने की बात है, तो इसमें कोई अलग से लीवर नहीं होता, ये जो कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट लीवर होता है, इनसे ही कंट्रोल होती है। ठीक है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि वो किस तरीके से कंट्रोल करता है। पीछे से दिखा दूँ एक बार आपसे। तो भाई वो ऐसा होता है कि जैसे आप मेन लीवर को पूरा उठा दोगे तो क्या होगा कि आपकी जो हाइड्रोली उठनी स्टार्ट हो जाएगी। और वैसे तो ये 100% ही भाइयों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, तो ये जो लिंके हैं, ये जो फट्टी है, ये जाके ट्रॉली के हुक में जाके अट जाएगी, और फिर जो तेल की सप्लाई होगी, ऑयल की सप्लाई होगी, यहाँ से आनी शुरू हो जाएगी इस चीज़ से। ठीक है जी, फिर ऐसे डम्फर जो उठना चालू हो जाएगा। मैं आपको एक बार ट्रॉली भी दिखा देता हूँ कि कैसे फिट होती है ये। तो भाई ये ट्रॉली है, डम्फर ट्रॉली से बोल देते हैं। तो ये जो पिन है, ये जो हौजरी है, हौजरी वाल है, सॉरी हौजरी डिस्ट्रीब्यूटर जिसे बोल देते हैं, डबल डिस्ट्रीब्यूटर या सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर, तो भाइयों ये ट्रैक्टर में कनेक्ट होगा। और फिर क्या होगा कि जो हमारी हाइड्रोली है, जो हमारी फट्टी जिसे बोल दे, वो यहाँ पे आके अट जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे आके, तो फिर ये तो उठने का नहीं, फिर वो जो तेल है, सारा ऑयल है, वो इसके थ्रू अंदर जाएगा, और ये ऐसे सप्लाई बनी हुई है, तो ये जैक में जाएगा भाइयों। ठीक है, तो इस तरीके से ये से जो सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर, वो इस तरीके से काम करेगा।